नमस्कार, स्वागत है आपका सुपरफास्ट न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात कर लेते हैं तमाम खबरों की सुपरफास्ट अंदाज में। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिट्टी बचाओ आंदोलन कार्यक्रम में की शिरकत। कार्यक्रम में जनसभा को क्या संबोधित, बोले मिट्टी को केमिकल फ्री बनाना सरकार का अहम लक्ष्य। नेचुरल फार्मिंग को लेकर पीएम मोदी ने समझाई रणनीति, कहा इस साल के बजट में गंगा किनारे बसे गांव में बनाएंगे नेचुरल फार्मिंग का विशाल कॉरिडोर। संबोधन में पीएम मोदी ने बताई नेचुरल फार्मिंग की उपयोगिता, कहा गंगा किनारे खेती की मिट्टी होगी केमिकल फ्री, नमामि गंगे अभियान को भी मिलेगा नया बल। दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम ने मिट्टी से जुड़ी समस्याओं पर की विस्तार से चर्चा, का किसानों के लिए चलाया गया है सॉइल हेल्थ कार्ड देने का अभियान। मिट्टी बचाने के लिए पीएम मोदी ने सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को बचाने, जल की उपलब्धता पर दिया जोर, कहा वनों का दायरा बढ़ाने पर करेंगे फोकस। हरियाणा में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी चंडीगढ़ में अपने आवास पर किया पौधारोपण। दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस की धूम, सीएम योगी ने भी इस अवसर पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर की गौशाला में किया पौधारोपण। विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर बोले सीएम धामी, राज्य एक साफ शहर के रूप में जाना जाए इसके लिए हम करेंगे काम। यूपी के हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर में जोरदार धमाका, सीसीटीवी फुटेज आया सामने, धमाके से हवा में उड़ता दिखा फैक्ट्री का टीन शेड। बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना, धमाके के बाद सड़क पर भागते दिखे आसपास के लोग, तेज आवाज के साथ दीवार के उड़े फरकच्चे। शनिवार के दिन केमिकल फैक्ट्री में हुआ था ब्लास्ट, अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि, 15 लोग बताए जा रहे हैं जख्मी। हापुड़ की घटना को लेकर शुरुआती जांच के मुताबिक फैक्ट्री के अंदर और बाहर कारतूस जैसी चीजें बरामद, बारूद के इस्तेमाल का शक, जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम। केमिकल फैक्ट्री मालिक दिलशाद और संचालक बनाए गए आरोपी, घटना के बाद से दोनों फरार, तलाश में जुटी पुलिस, 304 समेत 6 धाराओं में केस दर्ज। कानपुर हिंसा में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी लखनऊ से गिरफ्तार, अब तक 29 की गिरफ्तारी, 1000 से ज्यादा के खिलाफ केस दर्ज। कानपुर हिंसा में पीएफआई कनेक्शन आया सामने, पुलिस कमिश्नर ने कहा पीएफआई से लिंक की होगी जांच, सीसीटीवी खंगालने में जुटी है हमारी टीम। कानपुर में हिंसा के बाद क्षेत्र में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती, शहर में जगह जगह निकाला गया फ्लैग मार्च। कानपुर के उपद्रवियों के खिलाफ यूपी की योगी सरकार सख्त, एनएसए के तहत होगी कार्रवाई, बोले उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, योगी मॉडल ऐसी कार्रवाई करेगा जो नजीर बनेगा। कानपुर हिंसा को लेकर एसीपी अकमल खान का बयान, अभी तक स्थिति सामान्य लेकिन फिर भी हमने सतर्कता की दृष्टि से पुलिस बल को किया है तैनात। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में लॉरेंस बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट में किया गया पेश, कोर्ट ने बिश्नोई को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अब सिरसा से जुड़े हैं तार, कलावली के कई युवकों पर सिंगर की रेकी करने का शक, पंजाब पुलिस ने की छापेमारी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में संदिग्ध आरोपी गैंगस्टर प्रियव्रत पर इनाम घोषित, एक साल पहले के हत्याकांड में 25,000 का इनाम ऐलान। घाटी में हो रही टारगेट किलिंग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी की जन आक्रोश रैली, सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी रहे शामिल। जन आक्रोश रैली में बोले केजरीवाल, घाटी में फिर लौटा 1990 का दौर, कश्मीरी पंडित को नहीं चाहते गृहमंत्री और उच्च स्तरीय बैठक, केवल चाहते हैं कारोबार।
रैली में केजरीवाल ने कहा कश्मीर में जो हो रहा है उसे लेकर हर भारतीय के मन में गुस्सा और चिंता, आज फिर कश्मीरी पंडित अपनी जन्मभूमि छोड़ने के लिए मजबूर। जंतर मंतर पर कश्मीरी पंडितों की हत्या को लेकर सीएम केजरीवाल ने रखी चार मांगे, पाकिस्तान को भी जमकर हड़काया। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, कहा घर का पता लोक कल्याण मार्ग रखने से लोगों को नहीं होता कल्याण। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने की ऑब्जर्वर की नियुक्ति, हरियाणा के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद राजेश शुक्ला को बनाया गया पर्यवेक्षक। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल बने राजस्थान के पर्यवेक्षक, वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षक। लखनऊ में एसपी नेता और शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा के घर में नजर बंद, बीजेपी नेता नुपुर शर्मा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद दिया गया एक्शन। यूपी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 50वां जन्मदिन, प्रदेश के कई कार्यक्रमों का आयोजन, वाराणसी में हुई स्पेशल गंगा आरती। देहरादून में अपने आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की चारधाम यात्रा की व्यवस्था की समीक्षा, पर्यटन स्वास्थ्य परिवहन और एसडीआरएफ को यात्रा व्यवस्था में सुधार करने के दिए गए निर्देश। इस बार टूटेगा बाबा केदार, आने वाले श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड, एक महीने से कम वक्त में 5 लाख भक्तों ने किए दर्शन, अभी 5 महीने तक खुले रहेंगे बाबा के कपाट। आईटीबीपी पर्वतारोहियों की एक टीम ने माउंट अंबी गमिन चोटी पर की चढ़ाई, लगाए बद्री विशाल के जय के नारे, 230 से ज्यादा अधिक पर्वतारोहण अभियानों की पूरा करने का प्रयास। मंडिया ने जामिया मस्जिद के बाहर सख्त की सुरक्षा, वीएचपी और बजरंग दल ने हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने का किया था ऐलान। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में जारी किया येलो अलर्ट, अलग अलग स्थानों पर लू चलने की जताई संभावना। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक दिन में चलती रहेंगी तेज हवाएं, 9 जून से आसमान में दिख सकते हैं हल्के बादल। सूरत के पांडेसरा इलाके में एक कपड़ा मिल में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने मशक्कत के बाद बुझाई आग, हादसे में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं। दुनिया में अब तक करीब 53,51,00,000 से ज्यादा कोरोना के केस आए सामने, वहीं 50,60,00,000 से ज्यादा हुए लोग रिकवर, मौत का आंकड़ा 63,20,000 के पार। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 1,239 मरीज, 22,400 से ज्यादा मरीज हुए एक्टिव, 26 लोगों ने गंवाई जान। भारत में 4,31,00,000 से ज्यादा हुए कोरोना के केस, करीब 4,26,00,000 से ज्यादा मरीज अब तक ठीक होकर घर लौटे, मौत का आंकड़ा 5,25,000 के पार। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में मिले 405 कोरोना के मरीज, कुल मामले 19,00,000 के पार, वहीं एक्टिव केसों की संख्या 1,400 से ज्यादा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में मिले 1,300 से ज्यादा कोरोना के नए मामले, एक व्यक्ति की मौत, कुल संक्रमितों की संख्या 78,91,000 के पार, एक्टिव केसों की संख्या 5,800 से ज्यादा। हरियाणा में घटी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में मिले 144 कोरोना के मरीज, कुल मामले 10,00,000 के पार, 930 से ज्यादा एक्टिव केस, मौत का आंकड़ा 10,600 के पार। हिमाचल में 24 घंटे में मिले कोरोना के 20 नए केस, कुल मामले 2,85,000 के पार, वहीं एक्टिव केसों की संख्या 79, मौत का आंकड़ा 4,000 के पार। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 130 नए केस आए सामने, कुल संक्रमण का आंकड़ा 20,80,000 के पार, एक्टिव केसों की संख्या 911 से ज्यादा, मौत का आंकड़ा 23,500 के पार। पश्चिम बंगाल में घटे कोरोना के आंकड़े, 24 घंटे में मिले 31 नए मामले, वही कुल मामले 20,00,000 के पार,
20,000 के पार, 19,97,000 से ज्यादा मरीज ठीक, मौत का आंकड़ा 21,000 के पार। बिहार में कम हो रहे हैं कोरोना के आंकड़े, 24 घंटे में मिले केवल 20 नए मरीज, कुल मामले 8,00,000 के पार, वही मौत का आंकड़ा 12,000 से ज्यादा। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान भी जारी, 193 करोड़ के पार पहुंचा वैक्सीनेशन का आंकड़ा। पंचकुला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में निकाय चुनाव को लेकर हुई अहम बैठक, बैठक में चुनाव प्रभारियों से लिया जाएगा फीडबैक। हरियाणा कांग्रेस में नहीं थम रही है सियासी उथल पुथल, सूत्रों के हवाले से खबर, राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं कुलदीप बिश्नोई, राज्यसभा चुनाव से पहले मुलाकात की बड़ी संभावना। हरियाणा बॉक्सिंग संघ के लगातार दूसरी बार प्रधान रह चुके मेजर सतपाल सिंधु, अध्यक्ष बनने पर सिंधु ने बॉक्सिंग संघ का किया धन्यवाद, कहा खेल और खिलाड़ियों को नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। फरीदाबाद में दमकल विभाग में 5 नई गाड़ियां शामिल करने पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने दिखाई हरी झंडी, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने पर्यावरण के महत्व पर दिया जोर। रेवाड़ी में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवाली लाल ने कांग्रेस की एकजुटता पर सवाल उठाए, कहा अगर कांग्रेस एकजुट होती तो नहीं बनाने पड़ते 4-4 कार्यकारी अध्यक्ष। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बयान आया सामने, कहा कांग्रेस में भरोसे की कमी है। हिसार स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मासिक शिकायत निवारण कैंप का आयोजन, बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने किया जन समस्याओं का समाधान। शिकायत निवारण कैंप में बरवाला से जेजेपी विधायक समेत कई अधिकारी रहे मौजूद, हर महीने की 5 तारीख को लगता है क्या। पानीपत पुलिस ने बढ़ती नशा तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया, जिले में छिपे तस्करों को ढूंढ निकालने में अब ली जाएगी नारकोटिक्स डॉग की मदद। नशा तस्करी से जुड़ी छापेमारी में डॉग को शामिल करना होगा अनिवार्य, सबालखा के डीएसपी को डॉग से जुड़ी हर अपडेट संबंधित यूनिट को रिपोर्ट करने के दिए गए। नूह के देवरा नगली गांव में दहेज के लिए महिला की हत्या, कम दहेज मिलने पर फांसी पर लटकाया। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई, परिजनों के बयान के आधार पर ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। करनाल के राज रेजिडेंसी में एक फ्लैट में पंखे से लटका मिला युवक का शव, शव पर मिले कई निशान। अंबाला की रहने वाली युवती ने मृतक युवक अमन पर लगाया था चाकू से वार करने का आरोप, मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की मामले की जांच पड़ताल। करनाल के समालखा गांव में मुनक रोड पर कुछ युवकों ने दुकान में की आगजनी, पैसे के लेन देन को लेकर हुई थी कहासुनी। दुकान में सो रहे दो युवकों ने समय रहते बाहर निकलकर बचाई जान, आगजनी में 3 बाइक समेत कई सामान जलकर हुआ खाक। फरीदाबाद के सरूरपुर इलाके में एक के बाद एक 3 फैक्ट्रियों में लगी शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने आग को किया कंट्रोल। सोनीपत के गीता भवन चौक के पास पशु तस्कर के खिलाफ स्थानीय लोगों की कार्रवाई शुरू, सूचना मिलने पर तस्करी में शामिल 3 वाहनों को किया गया जब्त। जब्त गाड़ियों में भरे गए
15 से ज्यादा गौवंश, पुलिस पर भी स्थानीय लोगों का मिलीभगत का। चरखी दादरी के भैरवी गांव में नहर में नहाते समय डूबा युवक, युवक को ढूंढने के लिए पुलिस ने चलाया सर्च अभियान। नारनौंद में हांसी चंडीगढ़ रोड पर राजपुरा गांव के पास दो कारों की आमने सामने भिड़ंत, हादसे में 4 महिलाओं समेत 7 लोग घायल। पानीपत के बलजीत नगर में बिजली की हाई टेंशन तारों के टूटने से बड़ा हादसा, तारों के टकराने से ब्लास्ट में ऑटो चालक झुलस गया। यमुनानगर के भगवानपुर गांव के तालाब में सर्च ऑपरेशन में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लूट मर्डर फायरिंग की वारदात के सरगना के 7 सदस्य गिरफ्तार, लूट के कई सामान बरामद। रोहतक के टिटौली गांव में दो किसानों के खेत से ट्यूबवेल का मोटर चोरी, सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है पुलिस। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जनजातीय मामलों को लेकर सीएम ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से की मुलाकात। पर्यटन नगरी मनाली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा, मनाली में अटल टनल रोहतांग का भी करेंगे विजिट। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर एसडीएम कार्यालय में हुई अहम बैठक। पेपर लीक मामले को लेकर हिमाचल में जमकर बवाल जारी, आम आदमी के प्रवक्ता मनीष ठाकुर ने मामले को रफा दफा करने के लगाया। हमीरपुर के स्नेहवर्धन सिंह कटोच ने किया हिमाचल का नाम रोशन, बायजेयू ऐप के जरिए ऑनलाइन प्रतियोगिता में सब जूनियर टीम में दूसरा स्थान, प्रतियोगिता में जीते 3 लाख रुपए। मंडी के नाचन में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर झूलता मिला महिला का शव, मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को किया बरामद। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से तपने लगे हैं पहाड़, 8 जून तक लू चलने का मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, ऊना का पारा पहुंचा 44 डिग्री के पास। नासा ने जारी की अंतरिक्ष और धरती से ली गई खूबसूरत तस्वीरें, कहीं दिखी उल्का पिंड की बारिश तो कहीं रोशनी से नहाता दिखा बुध ग्रह। बांग्लादेश के चटगांव में बड़ा हादसा, कंटेनर डिपो में लगी भयंकर आग, हादसे में 35 लोगों की मौत की खबर, करीब 450 लोगों के घायल होने की खबर। रूस यूक्रेन में महायुद्ध जारी, पुतिन पर बरसे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, पूरी दुनिया के अपमान का लगाया आरोप। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के शासन के 70 साल पूरे, आलिशान जुबली कॉन्सर्ट का हुआ आयोजन, बेटे प्रिंस चार्ल्स ने किया सम्मान। जापान के 83 साल के केनिची होरी का कारनामा, प्रशांत महासागर में 70 दिन के अंदर 4000 किलोमीटर की दूरी तय की, केनिची ने अकेले और बिना रुके ये पूरी यात्रा की। कर्ज के दलदल में फंसा पाकिस्तान, एक अंक में पहुंचा फॉरेन रिजर्व, आईएमएफ ने भी कर्ज की तीसरी किश्त को नहीं दी हरी झंडी, एक हफ्ते में 3.6 करोड़ घटा फॉरेन। अमेरिका ने मेडिकल साइंस में कर दिखाया कारनामा, 3D प्रिंटिंग के जरिए मरीज को लगाया नया कान, कड़ी मेहनत के बाद सफल हुई कान की सर्जरी, बिगड़ा हुआ था दाहिने कान का आकार। फ्रेंच ओपन में सेमीफाइनल मैच के दौरान महिला ने खुद को नेट से बांधा, सुरक्षाकर्मियों ने महिला को कोर्ट से बाहर निकाला, महिला जलवायु परिवर्तन को लेकर कर रही थी परिवर्तन। स्टिक पर ज्यादा पेंट करने पर जापानी गोल्फर मात्यूस यामा अयोग्य घोषित, प्रतियोगिता में भाग लेने से रोका गया। होर्ता के गोल से पुर्तगाल ने नेशंस लीग में स्पेन को ड्रॉ पर रोका, अल्वारो मोराता ने भी दागा गोल। वॉकओवर से फाइनल में पहुंचे नडाल, 3 घंटे तक खेलने के बाद चोटिल हुए ज्वेरेव, व्हील चेयर पर कोर्ट से गए बाहर।
बाकू शूटिंग विश्व कप में अंजुम ने जीता रजत पदक, चार पदक के साथ भारत तीसरे स्थान पर पहुंचा। अबू धाबी के पास यस आइलैंड में आईफा 2022 में अभिनेत्री कीर्ति सेनन की बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फिल्म मिमी के लिए दिया गया ये बेस्ट अवार्ड। आईफा में अभिनेता विक्की कौशल को मिला इस साल के बेस्ट एक्टर का अवार्ड, फिल्म सरदार उधम के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड से नवाजे गए विक्की कौशल। सिंगर जुबिन नौटियाल ने फिल्म शेरशाह के गाने राता लंबिया के लिए जीता बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड, इसी गाने के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर बनी असीस को। एक्टर सुनील शेट्टी के बेटे आन शेट्टी को फिल्म तड़प के लिए बेस्ट डेब्यू मेल का अवार्ड मिला, अभिनेत्री शर्वरी बाग को फिल्म बंटी और बबली 2 के लिए बेस्ट डेब्यू फीमेल का खिताब। सपोर्टिंग रोल में अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने फिल्म लूडो में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, अभिनेत्री सई तमांडकर को फिल्म मिमी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग रोल फीमेल अवार्ड। अब जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होगी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज, अमेजन प्राइम वीडियो को दिए गए फिल्म के डिजिटल राइट।